हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मूंग दाल हलवा बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। माता रानी को नवरात्रा में आप इसका भोग भी लगा सकते हैं। मैंने एक कटोरी के लगभग मूंग दाल लिया है, फ्रेश मूंग दाल है। काजू है, चीनी मैंने एक कटोरी के लगभग ही लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग धोते हैं। एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए, उसमें पानी डाल करके आप अच्छे से इसे धुलिए। एक से दो बार आप इसे लिए, मैंने मग्गे में पानी या है ग्लास से, इस तरह से पानी डाली अच्छे से पूरे इस तरह से, और इसे दो से तीन बार तरह से साफ करके धुलिए। तो चलिए मैं इसे धुल करके साफ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मूंग दाल को अच्छे से धुल लिया है दो तीन पानी से। अब इसी तरह से धुल ले। इधर मैंने पैन चढ़ा दिए हैं, इसमें मैं एक से दो चम्मच के लगभग एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा। तो दो चम्मच आप भी डाल करके इसे गर्म करें। जब से गर्म हो जाए तो इसमें आप मूंग दाल जो ला करके रखा है उसे आप इस तरह से देखिए गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें, डाल करके ठीक होने तक भूनें। इस तरह से आप भी भूनिए, तो चलिए मैं इसे भून लेती हूँ। आप इसे मीडियम एंड लो फ्लेम पर ही भूनें, तेज़ फ्लेम ना करें, नहीं तो ये जल जाएंगे। इस तरह से दो से तीन मिनट तक आप इससे इसी तरह से भूनते रहें, चिपकने ना दें, बराबर से चलाते रहें तो ये अच्छे से भून जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे अब आप गैस बंद कर दें, फिर इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में से ठंडा होने दें। उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं पूरे से ठंडे अच्छे से हो चुके हैं। इसे अब आप इसे मिक्सी में डाल करके इस तरह से सीनिया एक बार में अधिक न डालें, एक बार में थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे इस तरह से आप डाल दें और इसे पीस लें अच्छे से दरदरा ही पीसे। तो चलिए मैं मिक्सी में इसे पीसते हैं, इस तरह से सेट कर लें और पीसे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी दरदरा ही मूंग दाल को अच्छे से आप पीस लें, इस तरह से ग्राइंड कर लें। तो चलिए मैं इधर मैंने पैन गरम कर लिए हैं, इसमें आप एक चम्मच के लगभग ऑलरेडी मैंने पहले भी घी डाले हैं, इसलिए एक से डेढ़ चम्मच के लगभग ही आप ऐड करें। इस तरह से बिल्कुल मैं हलवाई स्टाइल में आपको बता रही हूँ मूंग दाल का हलवा, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है। चलिए घी गरम हो चुके हैं, इस तरह से इसे गर्म कर लें और इसमें सारे घी डाल करके ग्राइंड किया हुआ मूंग दाल डाल करके इसे अच्छे से भून लें। इस तरह से इसे बराबर से मिलाते हुए ब्राउन होने तक भूनें। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने ड्राई फ्रूट भी कट कर लिए हैं, काजू कट किए हैं। आप चाहें तो किशमिश मुनक्का भी डाल सकते हैं इसमें, और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ मखाना भी दो तीन हैं, तभी मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से आप भी मखाना को भून करके डालें, तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है ये। केसर के कुछ दाने भी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं इसमें। इलायची को सबसे पहले मैंने चार पांच इलायची लिए हैं, इसे कूट लें उसके बाद में डालूँगी। तो चलिए इसे मैं भून लेती हूँ। आप इसे धीमी ही फ्लेम पर भूनें अच्छे से, इस तरह से बराबर से चलाते रहें और भूनते रहें। ये बहुत ही सौंधी सौंधी उसमें इसकी बहुत ही अच्छी होती है। अब इसमें आप चीनी ऐड कर लें, चीनी ऐड कर लें। इलायची के दाने हैं इसे मैंने कूट लिए हैं, चाहे तो छिलका भी इसे डाल सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप इसे फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से चलाते रहें। चीनी अपने आप में इसमें गलने लगेगा, देख सकते हैं 300 ग्राम के लगभग। आप देख सकते हैं मैंने आधे कप से कम ही पानी लिया है, इसमें ऐड कर दें जिसे अच्छे से अब इसको 2 मिनट के लिए हम लोग पकने देंगे। उसके बाद में आप इसमें कटे हुए काजू ऐड कर सकते हैं। मैंने काट करके पहले से ड्राई फ्रूट लगे रखे हैं, आप दूसरा भी ड्राई फ्रूट कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बन चुके हैं। केसर डालें या आप फूड कलर भी ऐड करें, जिससे इसकी कलर भी और खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे सर्व करते हुए आप लोग को दिखाती हूँ।
डेस्क में बड़े सा एक बाउल ले ले। कुछ मैंने काजू रख लिए थे, उससे अभी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए फटाफट बनने वाला, बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। होटल स्टाइल का मैंने आप लोगों को बताया है मूंग दाल हलवा। इसे आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।